पुलिस फैक्ट्री एक्शन कॉमेडी शैली से संबंधित थी। इसमें हास्य और रहस्य का भी मिश्रण था। सब टीवी ने इसे 26 सितंबर 2015 से प्रसारित किया। टोनी सिंह ने इसे बनाया और इसका निर्माण भी किया और राजन वाग्धरे ने इसका निर्देशन किया। ये हर हफ्ते शनिवार और रविवार को रात 8 बजे प्रसारित हुआ करती थी। इसके 41 एपिसोड थे जो 14 फरवरी 2016 को समाप्त हुए। ये शो 20 साल पुरानी पुलिस अकेडमी पर आधारित है जो पंजाब के मोहाली में है। इसे इंस्पेक्टर शमशेर सिंह चलाते हैं। शमशेर एक चतुर, मजबूत, फिट और देशभक्त अधिकारी है। ये अकेडमी उत्कृष्ट पुलिस अधिकारियों को तैयार करने के लिए प्रसिद्ध है और शमशेर को सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षक माना जाता है। इसमें 7 कैडेटों को प्रशिक्षित करने में शमशेर सिंह के सामने आने वाली चुनौतियों को दिखाया गया है। जो पूरी तरह से हारे हुए हैं वो अकेडमी के लिए अनुपयुक्त है, लेकिन अपने कारणों से पुलिस अधिकारी बनने के लिए समर्पित है। वो अपनी व्यक्तिगत इच्छा के विरुद्ध केवल अपने परिवार को संतुष्ट करने के लिए पुलिस अकेडमी में शामिल हुए। शमशेर सिंह देवगन को एक रिपोर्टर उन्हें प्रशिक्षित करने की चुनौती देता है। रिपोर्टर को इंस्पेक्टर इंद्रजीत चड्डा ने पुलिस फैक्ट्री का प्रमुख बनने के लिए नियुक्त किया है। शमशेर की एक बहन थी प्रिया। वो एक चुलबुली, अच्छी दिखने वाली लड़की थी। शो में उनके रिश्ते को शामिल किया गया है। शमशेर को एक सख्त भाई के रूप में प्रदर्शित किया गया है। इसमें शमशेर और माया के बीच और प्रिया और राहुल के बीच भी रोमांटिक पल थे। ये शो छात्र शिक्षक संबंधों पर भी आधारित है। ये उनके बीच के आंतरिक रिश्तों और दोस्ती को दर्शाता है। शमशेर द्वारा ली गई चुनौती लगातार उसकी नौकरी को खतरे में डालती है। वो एक मेहनती और ईमानदार अधिकारी है जिन्होंने एक दशक तक अकेडमी को अपने खून पसीने से संभाला है। अकेडमी में इन कैडेटों के आगमन के साथ उनके जीवन में एक अप्रत्याशित मोड़ आता है। शमशेर के सामने आने वाली चुनौतियों को शानदार तरीके से प्रस्तुत किया गया है। शो में एक छात्र विनिमय कार्यक्रम भी शामिल था। पुलिस अधिकारी बनने के सफर में कैडेटों को काफी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। इन्हें प्रशिक्षित करना शमशेर के लिए जीवन की सबसे बड़ी चुनौती थी। वो हर दिन अपनी नौकरी के लिए लड़ता है। मुख्य जोड़ी शमशेर देवगन और माया मोहन की भूमिकाएं तरुण खन्ना और विवाना सिंह ने निभाई है। विवाना सिंह ने माया की जुड़वा बहन छाया के साथ दोहरी भूमिका निभाई। उन्होंने शो में शानदार काम किया। नवीन बावा ने मुख्य प्रतिद्वंदी इंद्रजीत चड्डा की भूमिका निभाई और मनमोहन तिवारी ने उनके दोस्त एक रिपोर्टर की भूमिका निभाई। 7 कैडेटों की भूमिका पारस अरोड़ा कैडेट राहुल के रूप में, रितेश मोब कैडेट विकी के रोल में, शीरिना सम्याल कैडेट शीना डिंगरा के रूप में, नेहा तोमर कैडेट रूबी श्रीवास्तव के रूप में, अक्षय आनंद कोहली कैडेट बुंदेल सिंह जाट के रूप में, आकाश प्रताप सिंह कैडेट ऋषि और अनुराग सिंह ठाकुर कैडेट बोनी डी कोस्टा के रूप में निभाई। प्रिया देवगन की भूमिका सोनल बेंगुलकर ने निभाई। बाद में उनकी जगह दीक्षा सोरलकर ने ले ली। ये एक पारिवारिक शो था जिसमें अन्य कॉमेडी शो से अलग साफ सुथरी कॉमेडी थी। ये आनंददायक था। शो में ड्रामा, थ्रिलर, एक्शन, रोमांस, सस्पेंस और कॉमेडी थी। तो आपको इस शो का प्लॉट लाइन कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।